चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए इन दीज थ्री इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर वो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल्स पे कनेक्ट कर देगा। सो गाइज इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे। दोस्तों आज किस वीडियो में पॉलिटेक्निक के जो नए छात्र यानी कि जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर दोस्तों जो पॉलिटेक्निक के छात्र इस बार सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं या फिर जो छात्र फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन दोस्तों BDUP ने जो है उस एकेडमिक कैलेंडर को जो है चेंज कर दिया है। अब आपके लिए जो है एक फिर से नया एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया है जिस पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि बीसम सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 हेतु निर्धारित समय सारी। जी हाँ दोस्तों, यानी इसका कहने का यहाँ पिया है जो आपके बीसम सेमेस्टर यानी जिस सेमेस्टर में आप इस बार गए हैं यानी आप इस बार जो है ऑड सेमेस्टर में गए हैं तो इस ऑड सेमेस्टर में आपकी परीक्षाएं कब से होंगी, आपके प्रैक्टिकल कार कब होंगे, आपके जो क्लासेज हैं कब से स्टार्ट होने वाली हैं, नए छात्रों के कब से स्टार्ट होंगे, आपके परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, सारी डिटेल के लिए BDUP ने जो है एक ऑफिशियल नोटिस को जारी कर दिया है। तो आज के नोटिस में आपको जो है हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रमांक नंबर 1 है इसमें बताया गया है कि विषम सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप वार्षिक पद्धति पठन पाठन। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे जो है सेमेस्टर की भी बात की गई है और जो हमारे वार्षिक परीक्षा के छात्र हैं डिफार्मा के छात्र हैं उनकी भी यहाँ पे बात की गई है। तो अगर आप डिफार्मा के छात्र भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे भी जो है अंतर जरूर देखें। देखिए यहाँ बोला गया है कि जो विषम सेमेस्टर है यानी जो पॉलिटेक्निक का इस सेमेस्टर का जो आपका पठन पाठन यानी जो आपकी पढ़ाई है वह 20 सितंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक चलने वाला है। तो जहाँ दोस्तों आगे देखिए बोला गया है जो वार्षिक पद्धति के जो छात्र हैं जो डिफार्मा के छात्र हैं उनके जो क्लासेस दोस्तों उनके क्लासेस जो है 27 सितंबर 2021 से जो प्रारंभ होने वाले हैं। आगे देखिए क्रमांक नंबर 2 में बोला गया है कि जो नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का पठन पाठन जी दोस्तों जो नए छात्र पॉलिटेक्निक में आने वाले हैं इनके क्लासेज जो है 1 अक्टूबर 2021 से चलने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आगे देखिए क्रमांक नंबर 3 में बोला गया है कि नव प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र जो है यानी इनके जो आपका नामांकन का जो फॉर्म है यह 15 नवंबर 2021 से जो है 10 दिसंबर 2021 के बीच में जो है भरा जाएगा। तो अगर आप नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे इस डेट को ध्यान रखेंगे, इसी डेट में जो है कॉलेज में आपके नामांकन आवेदन पत्र का जो फॉर्म है उसे भरा जाएगा। आगे देखिए क्रमांक नंबर 4 में बोला गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि प्रथम द्वितीय एवं पंचम सेमेस्टर। ध्यान दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक के सभी छात्रों को ध्यान देना है कि अगर आप पॉलिटेक्निक इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, चाहे आप जो है पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं, चाहे आप जो है पॉलिटेक्निक के फिफ्थ सेमेस्टर में आने वाले हैं, तो जो आपके एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है या फिर जो आपका एग्जामिनेशन फीस है ऑड सेमेस्टर के लिए वह आपका जो है 11 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के बीच में जो है जमा किया जाएगा। तो आपको जो है इस डेट को ध्यान रखना है। आगे देखिए क्रमांक नंबर 5 में बोला गया है कि ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्रों के आधार पर अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की जो तिथि है वह 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 के बीच में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका जो अनुक्रमांक आवंटन का जो कार्य है नामावली के जो ऑनलाइन जारी करने का काम है वह आपका 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 के बीच में जो है किया जाएगा। आगे देखिए क्रमांक नंबर 6 में बोला गया है कि ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है आपकी 6 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच में जो है किया जाएगा। आगे देखिए क्रमांक नंबर 7 में बोला गया है कि सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग का जो प्रक्रिया है वह 6 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022
तक जो है की जाएगी। जहाँ दोस्तों यानी आपके कॉलेज में जो आपका सेशनल कार्य है, ऑड सेमेस्टर का जो सेशनल का कार्य है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, वह आपका जो है 6 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 15 जनवरी 2022 तक जो है किया जाएगा। अगर देखिए क्रमांक नंबर 8 में बोला गया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम यानी परीक्षा क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग का जो कार्य है, यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, वह आपका 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा और 10 फरवरी 2022 तक जो है किया जाएगा। जहाँ दोस्तों जो है आपको इस डेट को ध्यान रखना है, आपके जो ऑड सेमेस्टर प्रैक्टिकल हैं इसी डेट को जो है कराए जाने वाले हैं। आगे देखिए क्रमांक नंबर 9 बोला गया है कि जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा है, यानी आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, यानी आपके जो ऑड सेमेस्टर का जो मेन एग्जामिनेशन है, वह आपका जो है 19 जनवरी 2022 से शुरू होगा और जो है 31 जनवरी 2022 तक जो है कराया जाएगा। तो आपको जो है इस डेट को ध्यान रखना है, आपके लिए जो यह डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी डेट के बीच में जो है आपके एग्जामिनेशन जो है कराए जाएंगे, तो आपको जो इस डेट को ध्यान रखना है और हो सके तो आपको जो अपने फ़ोन में इस जो टाइम टेबल है, समय सारी जारी की गई है, इसे भी रखना है, जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस समय सारी को बार बार देख सकें और अपने डेट को जो है याद रख सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम इस समय सारी को भेज देंगे, जिससे जो है आप इसे अपने पास रख सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी जो है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जो है वे भी अपने ऑड सेमेस्टर एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जो है पूरी जानकारी को पा सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।